जेलेंस्की को 13 झटके लगे हैं। अब जेलेंस्की ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इन झटकों से उबरा कैसे जाए। दरअसल प्रॉस्को की जंग तो वो पहले ही हार चुके हैं, इस बात की जानकारी जेलेंस्की को दे दी गई है। लेकिन ये जंग हारना रूस यानी कि दुश्मन सेना के ताकतवर होने की वजह से नहीं है, बल्कि खुद उनकी सेना ने यह झटका जेलेंस्की को दिया है। 19,000 से ज्यादा सैनिक यूक्रेन की सेना को छोड़ चुके हैं। जेलेंस्की को पता है बुरी खबर आने वाली है। जेलेंस्की को पता है उनसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। जब जेलेंस्की रूस के अंदर घुसकर ऑपरेशन कुर्स को कमांड कर रहे थे, तब यूक्रेन के एक मोर्चे पर आखिरी कील बनकर ये खबर दुनिया में वायरल होने लगी। जेलेंस्की समझ गए कि मामला बगावत का है। पोक्रोस्क फ्रंट रूस की ताकत के सामने किसी भी वक्त ढह सकता है। खबर यह है कि यूक्रेन के 19,000 सैनिकों ने 4 महीने के अंदर अपनी पोस्ट छोड़ दी है। यूक्रेन के 19,000 सैनिकों ने रूस के हाथों मरने के बजाय सेना को छोड़ने का फैसला किया है। सबसे बड़ा झटका डोनेस्क से 60 किलोमीटर दूर पोक्रोस्क फ्रंट पर लगा है, जो ऐसी ही बगावत की वजह से जेलेंस्की किसी भी वक्त हार सकते हैं। पोक्रोस्क ऐसी बगावत का एपिसेंटर बन चुका है। रूस की फौज लगातार आगे बढ़ रही है और रोजाना यूक्रेन कई वर्ग किलोमीटर जमीन हार रहा है। पोक्रोस्क में लड़ाई इतनी खतरनाक हो रही है कि वोलोदिमीर जेलेंस्की सच सुनकर बहुत ज्यादा तनाव में है। उन्हें बताया गया है कि पोक्रोस्क में रूस के एक सैनिक को मारने के बदले यूक्रेन के 10 सैनिक अपनी जान गंवा रहे हैं, यानी 10-1 का अनुपात है। और यही वजह है कि पोक्रोस्क में जेलेंस्की का मोर्चा लगातार कमजोर होता जा रहा है। पोक्रोस्क का फ्रंट बता रहा है कि युद्ध में यूक्रेन के एक सैनिक के मुकाबले पुतिन के 10 फौजी लड़ रहे हैं। पोक्रोस्क में यूक्रेन के एक बटालियन कमांडर कर्नल धीमा ने बताया कि वो 800 सैनिकों को कमांड कर रहे थे। इनमें से अब ज्यादातर मर चुके हैं या घायल हैं, और अब उन्होंने भी तय कर लिया है कि वो फ्रंट पर नहीं लड़ेंगे। कर्नल धीमा के अलावा 6 और लोकल कमांडर हैं जो ऐसा कर चुके हैं। Була сьогодні доповідь головкома Сирського, особливо Покровський напрямок. Ми додаємо наших сил і ключове завдання – вибивати якнайбільше сил окупанта. Також операція в Курській області. Ми зберігаємо визначені рубежі та кожним днем Курської операції доводимо світу, що Росія може програти цю війну. Зеленський сам знає, без заяв не хочуть робити. उनको पता है कि पुतिन ने इरादा साफ कर दिया है। पुतिन का टारगेट पूर्वी यूक्रेन यानी पूरे डॉनबास पर कब्जा करना है। इसके लिए वो डोनेस्क और लोहांस के साथ पोक्रोस्क जैसे छोटे शहरों पर पूरा कंट्रोल चाहते हैं, और ऐसे ही मोर्चे को जीतकर वो अपना ख्वाब पूरा करेंगे। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बैटल फ्रंट से कुछ तस्वीरें पुतिन को भी ज्यादा परेशान कर सकती हैं। यूक्रेन के फ्रंट से आया ये वीडियो बहुत खतरनाक है। पुतिन के 2 कमांडो जेलेंस्की की सुसाइड ड्रोन से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ड्रोन का मकसद है कि वो सैनिक से टकराकर खुद को धमाके से उड़ा दे। पुतिन के कमांडो उस पर गोली चला रहे हैं। दोनों सैनिक उस पर अपनी कलाश्निकोफ राइफल से गोली चला रहे हैं, लेकिन ड्रोन लगातार मंडरा रहा है, जैसे युद्ध में कबड्डी का खेल खेला जा रहा हो। जब गोलियां खत्म हो जाती हैं तो रशियन कमांडो ड्रोन पर अपनी राइफल फेंक देता है और फिर रूस के सैनिकों की हिम्मत देखने वाली है। और यह भी वजह है कि पोक्रोस्क जीतने के उनके जज्बे के आगे यूक्रेन कमजोर साबित हो रहा है। ऐसा ही एक और वीडियो रूस के सैनिकों की हिम्मत भी दिखाता है और बदकिस्मती भी साबित करता है। इस वीडियो में रूस का एक जख्मी सैनिक जान बचाने के लिए भाग रहा है और उसके पीछे पड़ा है जेलेंस्की का उड़ता यमराज। जी हाँ, FPV ड्रोन। इसमें लगा है बम और उसका टारगेट है रूस का ये जख्मी फौजी। ड्रोन उससे टकराना चाहता है और फिर फटकर उसकी जान लेना चाहता है। सैनिक भागता रहता है, ड्रोन उसका पीछा नहीं छोड़ता, और फिर ऐसा होता है कि रूस का सैनिक उस ड्रोन को हवा में ही कैच कर लेता है। वो हैरान रह जाता है कि ड्रोन नहीं फटता, वो ड्रोन को लेकर भागता रहता है। किसी तरह अपने इलाके में पहुंचने की कोशिश करता है। वो थक जाता है और लड़खड़ाने लगता है, तभी ड्रोन उसके हाथ में रहते हुए जमीन से टकरा जाता है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि युद्ध में एक सैनिक के सामने कैसे मौत मंडराती रहती है और उसे तड़पा तड़पा कर मार डालती है। यही युद्ध का अंतिम सत्य है।
चाहे वो यूक्रेन हो या फिर गाजा या फिर कोई और वॉर जोन। पोक्रोव्स्क के आने वाली खबरें बता रही हैं कि पुतिन का वॉर मीटर एक्टिव हो गया है। इस वॉर मीटर की सुई इतनी एक्टिव हो गई है कि पुतिन को भरोसा हो गया है कि कुर्स्क से वो जेलेंस्की की फौज को खदेड़कर बाहर नहीं करेंगे, बल्कि रूस की सेना के हाथों उनको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जेलेंस्की रूस के कुर्स्क के बदले डोनेस्क और लुहांस को आजाद कराना चाहते हैं, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फेरने का प्लान पुतिन ने बना लिया है। पोक्रोव्स्क की तरफ पुतिन की फौज ने जिस तरह से कूच किया है, वो इस युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकता है।